इसके साथ एक और गुफा है, अब हम जाएंगे उसकी वाली साइड। देखिए यहाँ पर कितने झुक के चलना पड़ता है, यहाँ पर ऐसे जाना पड़ता है। अब हम आ गए हैं दूसरी गुफा वाली साइड, अब हम आपको दिखाते हैं वाली गुफा, आइए दिखाते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूँ आप सबका सैमी और आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अभी उठा हूँ सुबह सुबह 6 बजे। तो आज मेरा मन कर आज मैं कहीं पे जाऊँ घूमने और कोई व्लॉग बनना चाहिए। वैसे मैंने सोची है एक जगह, सोच रहा हूँ कि उस जगह जाके व्लॉग बनाते हैं। चलो पहले मैं नहा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ नहाने के बाद। तो फ्रेंड्स, मैंने अब नहा लिया है, तो मैंने सोचा कुछ थोड़ा बहुत बता दूं अपनी यूट्यूब फैमिली को कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो मैं आपको ऐसे थोड़ा सा बता देता हूँ, जम्मू का एक बहुत बड़ा मंदिर है, वो जगह बहुत अच्छी है और बहुत बड़ी है। तो अभी तक मैं आपको यहाँ तक बताता हूँ और आगे वाला आप ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, और अगर चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ पे नेम मेरा आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैंने दिया, वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर लो। तो फाइनली चलते हैं अब हम। भाई लोगों, अभी हम पहुँच गए हैं जम्मू के बस स्टैंड। ये जो आप इतनी बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग अब पार्किंग है। इससे पहले ये जगह जम्मू का बस स्टैंड था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्किंग बना दी है। देखिए कितनी बड़ी बात है, ये देखिए, इसका नाम है JDA कार पार्किंग एंड कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड। यहाँ से राइट टर्न लेना है और हम पहुँच जाएंगे फिर जम्मू की हरी मार्केट। ये अब हम पहुँच गए हैं केसी प्लाजा। केसी प्लाजा इसका बाजार है और इसका अपना असली नाम केसी रेजिडेंसी है। हम आपको एक फ्रंट से इसकी सेक्शन दिखाते हैं, ये देखिए जो केसी प्लाजा है वो इसी के साथ एक छोटा सा बाजार बना रहा है। दरवाज़ा देख रहे हैं ना, ये दरवाज़ा हमें पहुंचा देगा पीर खो के मंदिर। अब हम पहुंच गए हैं पीर खो मंदिर। यहाँ पर पीर खो की एक छोटी सी मार्केट भी है, यहाँ पे कुछ कपड़े मिलते हैं और आर्ट्स और क्राफ्ट्स के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। ये देखो भाई लोगों, हमने यहाँ पे बाइक पार्क कर दी है और अब हम चलते हैं सीधा मंदिर वाली साइड। सीढ़ियाँ शुरू करने से पहले यहाँ पे एक मंदिर आता है शनिदेव जी का, जय शनिदेव। हमने यहाँ पे पूजा कर ली है, यहाँ पे पूजा के लिए सारा सामान मिल जाएगा। यही भैया दिए दे रहे हैं यहाँ पे चढ़ाने के लिए। आइए आपको दिखाते हैं भगवान शिव की गुफा। गुफा के ऊपर जाने के लिए यही सीढ़ियाँ। भैया यहाँ से कब से काम कर रहे हो? हाँ जी, अच्छा, कोई बात नहीं। हमने यहाँ से प्रसाद ले लिया है। ये देखिए यहाँ पे कितना बड़ा दरवाज़ा है, ये देखिए। यहाँ से ऊपर चढ़ के कुछ ऐसी लोकेशन दिखाई देती है। ओम नमः शिवाय। यहाँ पे नंदी बैल की भी लोग, यहाँ से गुफा स्टार्ट हो जाती है भगवान शिव की। यहाँ पर ही भगवान शिव की पीर खो की गुफा है। आइए चलते हैं नीचे, ये देखिए कैसी है गुफा। जय भोले की, ओम नमः शिवाय। आगे जाके मंदिर खुला हो जाता है, चलते हैं। ये भगवान शिव का शिवलिंग है, जय बोल शक्ति। इसे पीछे आप जो देख रहे हैं, इसे पीछे खिड़की देख रहे हैं, वो भगवान श्री अमरनाथ की तरह चांदी की गुफा, जय बोल। पंडित जी बताइए हमें इस मंदिर के बारे में कुछ। ये है जामत गुफा, पीर खो मंदिर है। यहाँ पर भगवान शिव प्रकट हुए थे, जामत भगवान को दर्शन देने के लिए एक मुखी रुद्राक्ष के रूप में।
और यहाँ से पीछे जो जाली का दरवाजा है यहाँ से हमारे हाथ के लिए गुफा निकलती थी जो जामत भगवान ने बनाई थी, वही सबसे पहले गए थे दर्शन करके वापस आए। उनके बाद में 9 साधु आए दर्शन करके और 6 लोग इसमें नहीं आ पाए थे इसीलिए बंद किया है। जो इसमें रह गए हैं उनके लिए अखंड ज्योति जलती है गुफा के द्वार पे। और द्वापर युग में यहाँ कृष्ण भगवान आए थे, समंतक मन के लिए यहाँ पर युद्ध हुआ था कृष्ण का और जामत का 27 दिन तक। फिर 27वें दिन जामत जी को भगवान ने राम के रूप में दर्शन दिया था और जामत जी ने यहाँ पर भगवान शिव को साक्षी मानकर अपने बेटी की शादी कराई थी कृष्ण महाराज के साथ। और जो समंतक मणि थी वो उनको दहेज के रूप में दी गई थी। तब कृष्ण द्वारिका चले गए और जामत अमर हो गए, दोबारा इसमें गुफा में दिखाई दिए नहीं, इसीलिए गुफा का नाम जामत शिव गुफा पीर खो मंदिर। पीर का मतलब होता है गुरु और खो होती है गुफा। यह है भगवान शिव जी का शिव जी। इसके पीछे जो आप खिड़की देख रहे हैं ये जिस गुफा का नाम अमरनाथ की गुफा है। इसके साथ एक और गुफा है, अब हम जाएंगे उसकी वाली साइड। देखिए यहाँ पर कितने झुक के चलना पड़ता है, यहाँ पर ऐसे जाना पड़ता है। अब हम आ गए हैं दूसरी गुफा वाली साइड, अब हम आपको दिखाते हैं वाली गुफा, आइए दिखाते हैं। ये देखिए एक छोटा सा दरवाजा है और ये दरवाजा बहुत ही ज़्यादा टाइट है, लेकिन मज़ा आ गया इसके अंदर से। तो फ्रेंड्स आप हम आ गए हैं नीचे वाले मंदिर में और ये जो आप सामने मूर्ति देख रहे हैं ये मूर्ति है भगवान विष्णु जी की और ये है भगवान शिव जी का शिव परिवार और ये है श्री गोरखनाथ जी की मूर्ति और ये है जामद। ये वो है जिन्होंने इस गुफा में भगवान शिव जी की कई सालों तक तपस्या की थी। हम तीसरी गुफा में जा रहे हैं, ये देखिए कितनी खूबसूरत गुफा है। ये गुफा शायद पत्थरों से बनाई गई है। यहाँ पे भी बहुत छोटा रास्ता है यहाँ पर। अब हम आगे इस गुफा से बाहर और यहाँ पे भी दो छोटे छोटे मंदिर हैं। ये हनुमान जी का मंदिर है जय बजरंगबली और इसी के साथ एक मंदिर है साईं भगवान जी का और विष्णु जी का जय हो, और इसी के साथ एक और गुफा है। और अब हम चलते हैं इस गुफा के अंदर। ये गुफा पूरी मार्बल की बनाई गई है, इसे शायद दोबारा बनाया गया। ये देखिए ना ऊपर इसकी छत, ये पूरी गुफा वाली छत है। ये देखिए सामने मंदिर है माता जी का, शेरावाली माता जी का मंदिर है। अंदर आइए चलते हैं, वो मंदिर ये है। जय माता, जय सारी माताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं यहाँ पर। देखिए जय माता, ये देखिए ये मंदिर भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इस वाली गुफा से अब हम बाहर जाएंगे और चलते हैं। ये दूसरा रास्ता है, एक जिस साइड से हम वो रास्ता है ये दूसरा रास्ता है, ये चलते हैं अब इस रास्ते। यहाँ पर आपको झुक के ही चलना पड़ेगा। जिस रास्ते से हम यहाँ अंदर आए थे अब उसी रास्ते से बाहर जाएंगे। ये गुफा मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। जो आप सामने रास्ता देखते हैं ये रास्ता जाता है बाहर की तरफ, आइए चलते हैं। ये वही रास्ता है जिसके बारे में वो जो सामने आपको दिख रहा है ना वही है भगवान तीर्थ जी का मंदिर, मतलब भगवान शिव का मंदिर। ओ नमः शिवाय। इसी के साथ अब जो राइट को रास्ता जा रहा है ये अब जाएगा बाहर की तरफ। ये बाहर निकलते ही एक राइट साइड पे मंदिर है भगवान शिव का। अब हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं और ये देखिए इसी के साथ यहाँ पर कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये देखिए कितनी खूबसूरत पहाड़ियाँ लग रही हैं यहाँ पे। ये जो आप सामने देख रहे हैं वो पानी सा वो है तवी, जो मुगर जिसको तवी कहते हैं। जो आप मंदिर देख रहे हैं उस मंदिर का नाम है मोमाया माता और यहाँ की वाली साइड सिद्रा पड़ता है जबल साइड। और ये देखिए यहाँ पर रोप वे भी लगी हुई है, वो देखिए रोप वे, ये यहाँ से जाती है सीधा मोमाया माता। इसी मंदिर के नीचे एक खूबसूरत सी ग्राउंड भी है, ये देखिए भगवान शिव की मूर्ति भी है
और ये फाउंटेन है एक, यहाँ पर शिवरात्रि के टाइम इसी जगह पे मेला लगता है। हाँ फ्रेंड्स, हम अभी मंदिर से बाहर आ चुके हैं, अब हम चलते हैं घर वाली साइड। अगर रास्ते में हमको कुछ मिलता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं घर आ गया हूँ, तो इस वीडियो का आज यहाँ तक ही रखते हैं। तो होप करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको यार लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर देना। तो फिर मिलते हैं कैसे नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।